जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, आज मैं बताऊंगा कि क्यों तो वो कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं, किन किन का आ सकता है और किन किन को टेंशन लेने की जरूरत है, किन किन का कैंसिल ऑर्डर आ सकता है, क्यों आ रहा है, अब क्या होगा उनका, उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और पहले मैं खुद ही आपसे क्षमा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर मतलब 100% रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ और इतने मैसेज है जिसकी हद ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप चाहोगे कि आपकी कैसे न कैसे मदद हो जाए, हर एक इंसान का कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इस बार तो ऐसे जीडी झटके पर झटका मार रही है, आप सभी को पता है। अब CISF के भी आपने ग्रुपों में देख लिया होगा कैंसिल ऑर्डर किसी की जो प्रॉब्लम आ रहा है उनका अस्थायी रूप से ज्वाइनिंग रोक दिया गया है, CISF के भी आ रहे हैं और भी डिपार्टमेंट के आएंगे पहले मैं बता दूं, तो इसके लिए आपको चिंतित होना नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हो, बिल्कुल मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। मैं ये नहीं कि एक ही दिन में सभी की रिप्लाई कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक दिन में 100 से 200 मैसेज आते हैं, किस किस का रिप्लाई कर पाऊँगा, इतना रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा मैं। और हर एक इंसान का एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं किसी को रिप्लाई भी करता हूँ तो एक नहीं 10 क्वेश्चन। और नंबर के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं तो नंबर के लिए भी ज़्यादा ना बोले यार, मैं कितने लोगों से बात करूंगा ये आप भी समझ सकते हो। लेकिन अब चलो मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताता हूं ताकि आपके यही डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। तो और भी डिपार्टमेंट के आ सकते हैं, उसके लिए पहले मैं बता रहा हूं, चाहे CRPF चाहे BSF ITP CISF सभी के आ सकते हैं, क्योंकि एक के आए दूसरे के भी आएंगे, लेकिन किन किन के आएंगे। अब जिन्होंने कुछ मेरे से कुछ बोल रहे थे कि वो 70 पेज जिन्होंने भरे थे उसका क्या, वो 70 पेज भरे उनके आए हैं बायोमेट्रिक वाले। अब देखो एक मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने 70 पेज भरा था, इसके लिखा हुआ है सिपाही जीडी के पद पर भर्ती हेतु जारी नियुक्ति प्रस्ताव को निरस्त करने के बाबत, ये CRPF महाराष्ट्र से आ रखा है, ठीक है। CRPF का जो कैरीपुर केंद्र बल तेलगांव महाराष्ट्र पुणे में है उससे आ रखा है ये। कल जो मैंने दिखाया था वो गांधीनगर गुजरात का था और झारखंड का भी दिखाया था जमशेदपुर, ये महाराष्ट्र से आया है। उपरोक्त के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से CRPF द्वारा आयोजित सिपाही जीडी 2018 के परिणाम स्वरूप आपका चयन अस्थायी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पद पर फलस्वरूप होने से उक्त प्रस्ताव में दी गई शर्तों का साथ 16/3/2016 को 21 को ज्वाइनिंग करना था, वो आपको भेजा गया था। मतलब आपको अस्थायी रूप से अब रोक दिया गया आपकी ज्वाइनिंग को, स्थायी रूप से नहीं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना, बाद में क्लियर करूँगा इसका क्या मतलब है। सिपाही जीडी भर्ती 2018 PST PIT यानी जो आपको फिजिकल परफॉर्मेंस जो टेस्ट हुआ था, भर्ती के दौरान आपके अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन में मिलान नहीं होने के कारण सस्पेक्टेड कैंडिडेट के रूप में माना गया है। मतलब आपको सस्पेक्टेड, यानी आपने सुना भी होगा सस्पेक्टेड, मतलब जिसको शंका की नज़र से देखा जाता है वो माना गया, तो इसके लिए आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है। चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान भर्ती बोर्ड द्वारा आपके हस्ताक्षर लिखावट में अंगूठे के निशान से संबंधित 10 पेज का फॉर्म 07 सेट से भरवाया गया था। 10-10 पेज के साथ को साथ मतलब भरवाए गए थे फॉर्म इसके लिए। इस विषय में सूचित किया जाता है कि आपके हस्ताक्षर लिखावट एवं अंगूठे के निशान को इस कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाना था एवं आपके हस्ताक्षर लिखावट एवं अंगूठे के निशान के सत्यापित होने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा आपको नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा। वर्तमान में आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही जीडी के पद पर इस कार्यालय द्वारा दिया गया प्रस्ताव रद्द किया जाता है। मतलब आपसे जो 70 पोस्ट के जो बायोमेट्रिक के लिए जो फॉर्म भरवाए थे उसका सत्यापन अब किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब तक उसका सत्यापन नहीं होता तब तक आपकी ज्वाइनिंग को रद्द किया जाता है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार और मैं रिपीट मार रहा हूँ कि इस विषय में सूचित किया जाता है कि आपके हस्ताक्षर लिखावट एवं अंगूठे के निशान को इस कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाना है एवं आपके हस्ताक्षर लिखावट एवं अंगूठे के निशान के सत्यापित होने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा आपको नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा। तो मतलब अभी के लिए ये रोका गया है, बाद में ये आपको जारी किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन दोस्तों का कैंसिल लेटर आ गया है जिनका बायोमेट्रिक वाला, तो उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और आपकी उसमें इंक्वायरी होगी। आपको जरूरी नहीं कि आपको रिकॉल भी करे, आपके जो 70 पेज का जो फॉर्म भरवाया था उसी से आपके फिंगरप्रिंट लिखावट रिकॉर्ड को मैच कराएंगे। अगर वो मैच करती है तो ठीक है, नहीं तो आपसे वापस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेते हैं या उसका क्या डिसीजन होता है वो आपको वापस, जैसे अब ईमेल भी आने लगे ज्वाइनिंग लेटर, जिनकी ज्वाइनिंग आ रहा है उनके कईयों को मेल भी आने लग गया है जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, लेकिन उनको मेल पहुँच गया है कि आपकी ज्वाइनिंग होनी है, इतनी तारीख को ज्वाइनिंग की डेट आ गई, उसमें ज्वाइनिंग लेटर के रूप में आ चुका है ईमेल पर, तो आपको भी सूचित कर दिया जाएगा। पहली बात तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट है उनको, ठीक है। तो सत्यापन आप सभी को पता है कि आजकल CCTV कैमरे भी रहते हैं, जब एग्जाम हॉल में देने जाते हो तो वो सब चेक हो जाएगा और आपको वापस से ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसके लिए आप चिंता
ना करें, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि अस्थायी रूप से आपकी ज्वाइनिंग रोकी गई है दोस्तों, स्थायी रूप से आपकी ज्वाइनिंग रद्द नहीं की गई है, अस्थायी रूप से रोकी गई। इसका मतलब है कि आपको सस्पेक्ट माना गया, शंका के आधार पर माना गया कि क्या ये गलत हो सकता है, तो आपका वो 7-10 पेज के वो फॉर्म भरवाए थे आपको 7 सेट, उससे वापस आपकी लिखावट चेक की जाएगी और आपके जो बायोमेट्रिक का जो अंगूठे का निशान आपके हस्ताक्षर चेक किए जाएंगे, अगर वो करेक्ट पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो उसके सत्यापन तक आपकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। अब दूसरा, अब किन किन का आ सकता है, आपने जो CISF वाला देखा था उसके बारे में भी बात करेंगे पहले, जो CISF का आया उसमें उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये बता दें किन किन का आ सकता है, तो जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं खाया था उन्हीं का ये कैंसिल ऑर्डर आ रहा है, उनके अलावा और किसी का कैंसिल ऑर्डर नहीं आ रहा। लेकिन CISF में जो आया सामने उसकी वजह से भी बहुत बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं क्या सर ये सही है या गलत है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। CISF वाला उसमें क्या लिखा हुआ आया था, हाँ इसमें लिखा हुआ था कि जिनके मतलब नाम वाम गलत है, एक आपको पता है कि वरिष्ठ कमांडेंट कार्यालय केंद्र रिजर्व पुलिस बल CISF के जो आया उससे लिखा हुआ है कि आपका नाम सरनेम जाति प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं की मार्कशीट से भिन्न है, नाम और सरनेम 10वीं मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए। मतलब मैं आपको पहले ही बोला था आपका जो जाति प्रमाण पत्र हुआ, आपका मूल निवास हो गया, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, उन सभी में आपका जो नाम है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। ये मैं पहले भी क्लियर कर सका हूँ, हर एक वीडियो में बोला हूँ मैं, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपका मूलभूत आधार है, उसके अनुसार आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितने चेंज हो सकते हैं उतने चेंज करा लेना, और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र ये तो अवश्य उसके अनुसार होने चाहिए। उसके अलावा आपके पिता का नाम सरनेम जाति प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं मार्कशीट से भिन्न है। अभी दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि आपके पिता का नाम और सरनेम दोनों चीज़ पे किया गया है, लेकिन सरनेम में आप सभी को पता है कईयों की प्रॉब्लम है सरनेम में, तो उसके लिए आप एफिडेविट भी बना के लेके जा सकते हो, और नहीं तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उनके जो जाति प्रमाण पत्र है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसमें आपके पिता का नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। आपके जाति प्रमाण पत्र में, आपके मूल निवास में, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके पिता का नाम आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अब मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि सर फिर हमारे पिता का नाम तो मतलब अलग है, तो मैं बोल रहा हूँ उनकी आईडी में चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जितनी भी आईडी बनती है, जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, इन सभी में आपके पिता का नाम है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अब इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो उसमें चेंज हो ही नहीं सकते, जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपका पहले बन गया, अगर आप नया बनाते हो तो उसके अनुसार बना लेना, मूल निवास वापस बन सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी वापस बन सकता है, तो उसमें जो आपके पिता का नाम है वो आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ये CISF का एक लेटर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और भी इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एक बार आपको अच्छे से फिर बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन आएंगे इंस्टाग्राम पे मेरे को। इसमें लिखा हुआ है कि अवगत कराया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित कॉन्स्टेबल GD CAPF NIA SSF राइफलमैन असम राइफल 2000 की अंतिम परिणाम में आपका चयन हो गया है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भर्ती जांच बोर्ड द्वारा जांचने के कम में त्रुटि पाई गई है, तो ठीक है, जिनके मिस्टेक पाई गई उनको ये लेटर दिया गया है, उनका नाम इसमें नाम रोल नंबर सब फिलअप करके दिया गया है, तो दोस्तों एड्रेस भी दिया गया कि इस एड्रेस पे आप अपने वापस दस्तावेज भेजो। तो अगर आपको भी ऐसा लेटर आता है, फिलहाल अभी जिनको पास आया है वो मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा अगर कोई लेटर आता है तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि टेंशन लेना है, कुछ लोग खाना ही नहीं खा रहे हैं, मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं इतना रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। मैं बोला आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो उसके अनुसार करा लीजिए। आपका जाति प्रमाण पत्र में आपके पिता का नाम है, मूल निवास में आपके पिता का नाम है, और आपके टोटल नाम 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपकी आईडी में होनी चाहिए। अब आपकी आईडी में आप बोलोगे सर आधार कार्ड में चेंज है, पैन कार्ड में चेंज, वो चल जाएंगे, लेकिन मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और 10th क्लास की मार्कशीट, अब ये अनिवार्य क्यों, क्योंकि इसके बेस पर आप भर्ती हो रहे हो, 10th क्लास के बेस पे तो आप भर्ती हो रहे हो, जाति प्रमाण पत्र से आप छूट ले रहे हो, और मूल निवास से आपको स्टेट वाइज सीट मिल रही है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, तो इनमें आपका जो नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जिन दोस्तों को बायोमेट्रिक की वजह से जो कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं उनको भी मैं पहले ही बोला हूँ कि ज़्यादा चिंतित नहीं करने की जरूरत है, जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके फॉर्म वो चेक होंगे, उनमें आपकी लिखावट चेक होगी, उसमें आपके हस्ताक्षर चेक होंगे, अगर मैच खा जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगर किसी कारणवश मैच नहीं खाते हैं तो आपको वापस रिकनेक्ट किया जाएगा, और जिसमें नीचे लेटर में नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। अगर नंबर पर कॉल आप नहीं कर पा रहे हो
तो जिस जिस के CRPF के वैसे तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे उसके नंबर वंबर, अगर नहीं मिलते कंट्रोल रूम के नंबर तो आप मेरे को मैसेज करिए, उस जिस के आपका कैंसिल ऑर्डर आया तो उस जिस के मैं आपको कंट्रोल रूम के नंबर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट को, उसके मैं आपको कंट्रोल रूम के नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें बायोमेट्रिक वाले आ सकता है और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जिनके अगर नहीं आए उनके भी आ सकते हैं, तो पहले से वो तैयार है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो आपका सिलेक्शन होगा ही। अगर किसी कारणवश गलती पाई जाती है तो भी ऐसे नहीं, चेक होगा पूरा का पूरा और आप ओरिजिनल हो। अगर आप सस्पेक्टेड आपको माना गया ना कि मतलब निरस्त किया गया, ठीक है, तो सस्पेक्टेड में आप, मुझे पता है आप ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम बायोमेट्रिक में होती है, नहीं फिंगर मैच खाते हैं, कईयों की होती है, आपके नहीं, सभी की, बहुत सारे लोगों की होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। अगर और भी किसी को पास आना है तो घबराना नहीं है, ठीक है, और नॉर्मली रूप से उसको देखना है। आपकी एक महीने लेट होगी ज्वाइनिंग, लेकिन हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।